वाराणसी से श्रीकांत उपाध्याय, पत्रकार की खास रिपोर्ट। मुर्दा लड़ेगा योगी मोदी के खिलाफ चुनाव, संतोष मुरत सिंह, मैं जिंदा हूँ। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कुछ खुद को सरकारी रिकॉर्ड के कागजों में अपने आप को जीवित करने के जद्दोजहद में लगे हैं। इसी कड़ी में वाराणसी के चौबेपुर थाना अंतर्गत आने वाले छितौनी ग्राम के संतोष मुरत सिंह उर्फ मैं जिंदा हूँ है। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जब भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब तक मुझे 59 बार गिरफ्तार किया जा चुका है। मैं पिछले 20 सालों से कर लगा रहा हूँ, मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। खुद को जिंदा करने की जद्दोजहद में मैंने कई बार चुनाव का नामांकन, यहाँ तक कि राष्ट्रपति के चुनाव का नामांकन भी भरा, लेकिन फिर भी मुझे जिंदा साबित नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मेरी फरियाद नहीं सुनी गई तो मैं फिर से योगी मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। यहाँ पे आए हैं, क्या उद्देश्य है? जी सर्वप्रथम आपको प्रणाम और जो देख रहे हैं सबको प्रणाम। मैं जिंदा हूँ संतोष मुहूर्त सिंह, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड बट मैं जिंदा हूँ। 20 वर्षों से अपने आप को जीवित घोषित करने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार के कानून पे जू नहीं रहेगा। और 59 बार मेरी गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जो है कि 8 दिन 10 दिन अपने हिरासत में रखते हैं, कह सकते हैं नज़रबंद जो है। और उसके बाद कल हमको शाम को छोड़े हैं तो आज हम फिर यहाँ आप लोगों के समक्ष पेश हुए हैं। और ये कहना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया से, कि इस बार जो है कि हम इतना दुखी हो चुके हैं कि 59 बार समझ सकते हैं साहब कि एक आम आदमी को मुर्दा जिंदा कितनी बार यातनाओं से जो है कि झेलना पड़ता है। हाँ, तो इस बार जो है कि हम तंग आ गए फिर से जो है कि मोदी योगी के खिलाफ जो है कि जहाँ से लड़ेंगे, यहाँ बनारस के तो हैं, बनारस से तो लड़ेंगे ही, अन्यथा दूसरे प्रदेश से भी हम नामांकन भर सकते हैं। मुर्दा लड़ेगा मोदी के खिलाफ चुनाव और ये अगर हमको जिंदा नहीं करते हैं तो हम इस बार फिर से चुनाव जो है कि नामांकन भरेंगे। इससे पहले भी आपने चुनाव के लिए नामांकन किया था जो है? जी, इससे पहले हम इंडिया डेडमैन प्रेसिडेंट रेसिंग 2012 राष्ट्रपति का भी नामांकन भर चुके हैं, विधानसभा, लोकसभा, BDC सबका भर चुके हैं। सिर्फ इसलिए कि मैं जिंदा हूँ तभी तो नामांकन भर रहा हूँ, मुर्दा आदमी नामांकन कैसे भरेगा। लेकिन फिर भी इनके कानों पे जू नहीं रेंगता है, तमाम जद्दोजहद और मुझे करना पड़ रहा है। और कहते हैं ना कि इनका शरीर जिंदा है, आत्माएं मर चुकी है साहब, कब हमको जिंदा करेंगे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उल्टा जो है कि ये जो दर्द है ये झेलना पड़ रहा है हमको। हाँ, देश विदेश की तमाम मीडिया कवर की, ऐसा कोई न्यूज चैनल नहीं है जिसपे हमारा इंटरव्यू नहीं है। उसके बाद भी बॉलीवुड में भी सलमान खान साहब कागज फिल्म बना के जीवन हमारा व्यवसाय तुम्हारा कर दिए, और गाँव में दयात प्रधार और ये लोग मिल के जो है कि जमीन हमारी कब्जा तुम्हारा कर लिए, और हम तख्ती लटका के 20 सालों से भटक रहे हैं कि मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ, आई एम अलाइव। लेकिन आज तक इनके कानों पे जू नहीं रेंगा और हमारा संघर्ष लगातार जारी था, जारी है, जारी रहेगा।